फिर देखो लोग कहते हैं, बड़े बड़े इतराज आते हैं और लोग समझते हैं फलान लूंगा क्यों भरे, एक आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल कहेगा ये क्या खुदा का इंसाफ है, फलान को लूला लंगड़ा क्यों बनाया। आई टेल देम यू डोंट बिलीव इन गॉड, फिर बताओ क्यों बने, ठीक है ना। मुझ पर दबाव है ना, ऑनेस है कि मैं बताऊं क्यों बने हैं, मगर मैं उनसे कहता चलो डोंट बिलीव इन गॉड, फिर तुम बताओ कि क्यों ऐसा हुआ, फिर क्यों ऐसे पैदा हो रहे हैं, क्यों ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्यों लोग भूखे मर रहे हैं। तो हमें क्यों कहते हो कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, तुम बड़े दानाओ बड़े बीनाओ बड़े अकलमंद हो, फिर तुम बताओ कि क्यों ऐसा है। इफ देयर इज नो गॉड एंड यू बिलीव इन योर इंटेलेक्ट इन योर मैनेजमेंट, तो फिर तुम बताओ ना कि क्यों ऐसे हैं। मगर मैं कहता हूं ये इसलिए ऐसे हैं, एक बिहेवियर है क्रिएटिव लाइफ का जो अल्लाह ने क्रिएट किया है, वो बिहेवियर है, एवरेज ऑफ लॉसेज है। 50,000 दरख्त लगाओ ना 5,000 निकलते हैं, हु ऑब्जेक्ट्स, हमदर्दी जो नहीं है, मगर 50,000 जिंदगी की एक किस्म है जिसमें निगलेक्ट या और असबाब की वजह से सिर्फ 5,000 फूटते हैं। क्या तुम समझते हो कि क्या कानून तखलीक से बाहर हो, अगर आपके पस मंजर अगर आपके हालात खराब होंगे, आपकी अकल और मैनेजमेंट खराब होगी, आप भी उसी एवरेज लॉसेस में से गुजरोगे। आपके 10 बच्चों में से कोई ना कोई लूला लंगड़ा पैदा हो सकता है, कोई ना कोई बीमार पैदा हो सकता है, कोई बाय बर्थ डेथ हो सकती है, कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि आपने अकल के बावजूद उनको उन अमराज को अपने आप से दूर नहीं किया।